तो चलिए हम लोग आज तीसरा क्लास में देखते हैं, सेट नंबर पहला ही से है ये सवाल, और सवाल नंबर होगा 19वां। तो सवाल एक बार पढ़ते हैं, आप लोग ध्यान से सुनिए। 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है ए, 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से पैदल चलता है। उसके 4 घंटे बाद बी द्वारा 10 किलोमीटर की चाल से उसके पीछे चलता है, तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर बी ए को पकड़ लेगा। कहने का मतलब ये प्रारंभिक स्थान है, ए पहले चला है 4 घंटे और इसकी चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। तो 4 किलोमीटर पर आवर की चाल से 4 घंटे अगर ये पहले चला है, तो 4 घंटे में ए कितनी दूरी तय कर लिया है, ए टोटल दूरी 4 चक्कर 16 किलोमीटर दूरी तय कर लिया है। इसके बाद का सिचुएशन क्या है कि ए आ गया यहाँ पे और बी आ गया यहाँ पे, अब स्टार्ट करने वाला है और तब तक ये 16 किलोमीटर जा चुका है। तो देखो भाई, इसको अगर पीछा करना है और इसको पकड़ना है तो इससे इसको 16 किलोमीटर ज़्यादा चलना पड़ेगा, क्योंकि ये भी जितना चल रहा है उतना अगर ये भी चलेगा, ए जितना चलेगा और बी भी उतना ही चलेगा, तो ये 16 किलोमीटर जो गैप है वो गैप रह जाएगा, तो इसको 16 किलोमीटर ज्यादा चलना पड़ेगा। तो ज्यादा चलने के लिए ज्यादा चाल को देखा जाता है, तो 10 किलोमीटर पर आवर बी चलता है, चाहे वैसे भी समान दिशा में हम लोग जानते हैं कि घटाते हैं, और एक चाल है 4 किलोमीटर पर आवर। तो ज्यादा चाल कितनी है, ज्यादा चाल है 6 किलोमीटर पर आवर, है ना। तो ज्यादा यानी 1 घंटे में 6 किलोमीटर पर आवर उससे ज्यादा चल पाएगा, ठीक है। तो समय कितना देर में इसको पकड़ेगा, कौन पकड़ेगा, बी को समय कितना लगेगा, बी पकड़ेगा, बी को कितना समय लगेगा, यानी ये जो समय निकलेगा वो बी यहाँ से इसको पकड़ने तक की दूरी में, यहाँ नहीं पकड़ेगा तब तक तो आगे निकल जाएगा, तो वो जो दूरी होगा जहाँ पे इस पॉइंट पे कहीं पे भी तो पकड़ेगा, तो ये जो समय निकलेगा वो बी के लिए समय निकलेगा। ए के लिए क्या समय होगा, जो बी का समय होगा उसमें 4 घंटा जोड़ेंगे, क्योंकि ये तो 4 घंटा पहले चला है, तो ये बी का समय, बी को पकड़ने में जहाँ भी पकड़ा है, ठीक है, उसका समय निकलेगा। तो ये समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे चाल। दूरी कितना है, 16 किलोमीटर दूरी है और चाल है 6 किलोमीटर पर आवर। ये 6 किलोमीटर किसी का चाल नहीं है ना, ये एक्स्ट्रा चाल है बी का, ठीक। तो ये हो गया कितना, ये 8/3 घंटा में इसको पकड़ लिया। अब यही डायरेक्ट हम लोग गुना कर सकते थे अगर हमसे प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछा है, तो प्रारंभिक स्थान से दूरी, तो बी जहाँ भी पकड़ा हो, जहाँ पे मिला वहाँ तक की दूरी पूछ रहा है, तो बी यहाँ से चला था प्रारंभिक स्थान से, तो बी को कितने समय में बी ने पकड़ा, 8/3 घंटा में, तो कितनी दूरी गया होगा बी, तो बी कितनी दूरी गया होगा 8/3 घंटा में, तो बी की चाल लिखेंगे ना कि 6 लिखेंगे। तो बी किस चाल से चल रहा था, 10 किलोमीटर पर आवर की चाल से 8/3 घंटा, मतलब 80/3 किलोमीटर दूरी जाके पकड़ा। 80/3 किलोमीटर को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 80/3 किलोमीटर यानी 26 पूर्णांक, डायरेक्ट आप लिख सकते हैं 26.67 आएगा, तो 7 डायरेक्ट लिख सकते हैं जैसा ऑप्शन में दिया गया, ठीक है, 26.7 किलोमीटर दूरी जाके पकड़ा, ठीक है। तो चलिए, अरे चाहे तो 26.2/3 अगर कहीं रहता तो वैसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, 26 78 2 80/3। तो उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा 19वां ये सेट का, सेट नंबर पहला का अंतिम सवाल 20वां सवाल क्या है उसको आप लोग एक बार देखिए, फिर दूसरे नंबर सेट पे हम लोग चले जाएंगे, ठीक है। तो 20वां नंबर सवाल क्या कहता है, कहता है यदि कोई गाड़ी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो अपने गंतव्य पर 11 मिनट देरी पहुंचता है, ठीक, और यदि वह 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो केवल 5 मिनट देर पहुंचता है, ठीक। तो यात्रा पूरी करने के लिए गाड़ी का सही समय क्या है, जरा दरवाज़ा खोल दो, पूरा आवाज़ ठीक आएगा, पूरा खोल दो, कोई दिक्कत नहीं। 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 11 मिनट देरी पहुंचता है, और यदि 50 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले तो 5 मिनट देरी पहुंचता है, ठीक है। मतलब दूरी पहले निकालते हैं, सबसे पहला काम है। तो हमसे पूछा क्या गया, कहता है कि यात्रा पूरी करने के लिए सही समय, सही समय कितना था, मान लो कि जो देरी पहुँचा नहीं, नियत समय उसको कर सकते हैं, सही समय से अच्छा होगा नियत समय, लेकिन सही समय लिखा हुआ है, तो मान लो टी, और ये समय मिनट में ऑप्शन दिया है तो हमने मिनट में ही मान लिया, ठीक है, और मिनट में भी मिनट में ही लिख सकते हैं, क्योंकि अगर यहाँ पे आगे जो लिखा हुआ है कि 40 किलोमीटर पर आवर, आप लोग समझिए सवाल में क्या लिखा है कि 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलते हैं तो हम लोग सही टाइम पर नहीं पहुँचते, 11 मिनट देरी पहुँचते हैं, तो यहाँ पर भी समय मिनट में है, इसलिए हमने टी मिनट सही समय समझ लिया, ठीक है। तो सही समय टी मिनट था,
ठीक, तो पहुंचा कैसे, दूरी कैसे निकालेंगे। अगर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चले, ध्यान दीजिएगा दूरी बराबर होता है चाल गुने समय, तो चाल अगर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेगा तब कहता है कि वो समय अगर सही टी समय था इसका पहुंचने का, लेकिन टी पर नहीं पहुंचा, कहता है 11 मिनट देर पहुंचा। मतलब टी पर पहुंचना था लेकिन टी समय से 11 मिनट देर हो गया, मतलब टोटल टी प्लस 11 लग गया। मतलब जैसे कि आपको 50 मिनट में पहुंचना था, आप 11 मिनट देर पहुंचे, इसका मतलब आपने टोटल कितना 61 मिनट टाइम ले लिया। ठीक है, इसका मतलब यही हो गया। अब सवाल है कि ये मिनट में, क्योंकि 11 मिनट को अगर टी के साथ जोड़े तो जाहिर बात है टी मिनट में ही होगा। ठीक है, तो ये है आवर में, तो हम लोग क्या किया, हमने 60 से भागा दे देती, ये दूरी पता चल गया। कहता है यही दूरी अगर ऐसे चलता, अगर इसका चाल हो जाता 50 किलोमीटर पर आवर, तब भी देर पहुंचता, लेकिन तब देर कितना होता, 5 मिनट लिखा हुआ, 5 मिनट देर पहुंचता, मतलब टी प्लस 5 मिनट एक्स्ट्रा ले लेता। ठीक है, मतलब और अगर अगर ये अगर मिनट में है तो हम लोग आवर में लाने के लिए 60 से भागा देते हैं, तब वही दूरी तय होगा, यानी दोनों केस में दूरी बराबर है, क्योंकि आप चाल को बढ़ा रहे हैं, तो अब जो देर हो रहा था वो तो देर होना कम हो गया, इसको सॉल्व कर देंगे। ठीक है, ये 60-60 तो ऐसे ख़त्म हो जाएगा, 0-0 हमने काट दिया, ये 4t और प्लस ये 44, देखिए 60-60 यहाँ कट गया, आवश्यकता नहीं पड़ा, लेकिन वही चीज़ फिर दूरी निकालना होता तो हम यहाँ पे जब ये टी का मान बैठाते थे 60 का आवश्यकता पड़ जाता, इसीलिए ये ध्यान दीजिएगा। ठीक है, तो ये 5t और प्लस 25 हो जाएगा, और इधर जाएगा तो एक साइड टी आ जाएगा, अरे 5t में 4t जाएगा, और अगर इसको घटाएंगे 25 घटाएंगे तो 19 मिनट हो जाएगा। अब सवाल है कि हमने भले ये 60 से भागा दे दिया था आवर में, लेकिन टी तो मिनट में मनाया है ना, तो ये मिनट में ही रहेगा। जैसे पिछला वीडियो में हमने बताया था कि अगर x किलोमीटर पर आवर में है तो किलोमीटर पर आवर में ही होगा, क्यों ना हम 5/18 से उसको गुना कर दें। ठीक, तो इस तरह ये सेट हो गया। हम लोग दूसरा, अच्छा इसको ऐसे भी बना सकते, जरा ध्यान दीजिएगा। ठीक है, इसको कैसे बना सकते थे कि अगर हम लोग दूरी निकालना जानते हैं, यहां तक कवर हो रहा होगा, दूरी जानते हैं, टाइम का डिफरेंस लिखते हैं, और पहला चाल गुने दूसरा चाल, तो देखिए जो 11 मिनट देर हो रहा था पहले और अब भी 5 मिनट देर हो रहा है, तो हमारा 6 मिनट तो फर्क पड़ा कि नहीं, तो 6 मिनट लिखेंगे। आवर में कर दिए, पहला चाल 40 है, दूसरा चाल 50 है, और चाल का अंतर 10 है, तो ये 2-0 कट गया, ये 6 से 6 कट गया, दूरी निकला 50, ये 5×20 किलोमीटर, 20 किलोमीटर दूरी हो गया। ठीक है, 20 किलोमीटर अगर दूरी हो गया, तो कहा है कि अगर 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलेंगे तो 11 मिनट लेट पहुंचेंगे, मतलब अगर 20 किलोमीटर की दूरी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलें तो ये समय निकलेगा भाई, तब समय निकलता है आधा घंटा, आधा घंटा मतलब 30 मिनट, तो 30 मिनट आप लेते हैं 40 किलोमीटर पर आवर के चाल से चलने, तो आपका हो जाता है 11 मिनट लेट, इसका मतलब आपने 11 मिनट ज़्यादा ले लिया, आपको लेना था कितना 19 मिनट, तो 19 मिनट हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आप ऐसे बना सकते हैं, ऐसे बना सकते हैं, आपको जैसे समझ में आए ऐसे बनाना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग अगले सेट पे चलते हैं, सेट नंबर 2 है हमारा, ये सेट नंबर 2 में सवाल होगा, पहला सवाल हम लोग एक बार पढ़ते हैं, बहुत मजेदार सवाल है और बहुत आसान सवाल है। ठीक है, सवाल पढ़ रहा हूँ एक बार, कि एक व्यक्ति ने कुछ दूरी साइकिल से तथा वापसी यात्रा स्कूटर से तय की, और दोनों और 2 घंटे 20 मिनट लगा। एक बार लिख के समझाता हूँ, ठीक है, जाते समय साइकिल से गया, ठीक, और आते समय दोनों मिलके क्या हो गया, स्कूटर से, ठीक है, स्कूटर से, तो टोटल कितना लगा, 2 घंटा 20 मिनट। ध्यान दीजिएगा, सवाल अगर समझ में आ गया तो बहुत आसान सवाल है। आगे कहता है कि पूरी यात्रा अगर साइकिल से करता, अगर पूरी यात्रा साइकिल से करता, मतलब जाना भी साइकिल से और प्लस आना भी साइकिल से करता, ठीक है, स्कूटर, अच्छा ये भी साइकिल था ना, पूरी यात्रा साइकिल से करता, तो पूरी यात्रा साइकिल से करता, तब कहता है इसको 3 घंटा 30 मिनट लगता। तो भाई आप समझिए, पहले भी साइकिल से ही जाता था, अब भी साइकिल से ही जाता था, ठीक, तो यहां कोई फर्क नहीं पड़ा,
एक साइड का फर्क हो रहा है, ठीक है, कि स्कूटर के जगह पे एक साइड में ना जी, यानी एक साइड में स्कूटर के जगह पे हम लोगों ने क्या चेंज कर दिया, साइकिल, ठीक है, स्कूटर के जगह पे साइकिल चेंज कर दिया। तो हम देख रहे हैं कि इससे ज़्यादा लगने लगा समय स्कूटर के जगह, इधर कोई तब्दीली नहीं हुआ एक ही साइड में, ठीक है, दोनों साइड तब्दीली करेंगे तो डबल डबल टाइम लगेगा, है ना। तो 2 घंटा 20 मिनट से 3 घंटा 30 मिनट लगने लगा, मतलब 1 घंटा 10 मिनट का एक्स्ट्रा समय लगने लगा, है कि नहीं। इसका मतलब ये पता चलता है कि स्कूटर से साइकिल धीरे चलता है, क्योंकि स्कूटर को हमने हटा के साइकिल ले आया तो 1 घंटा 10 मिनट एक्स्ट्रा लगने लगा। यानी हमको इसका उल्टा यानी रिवर्स हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, वैसे वर्षा, कि साइकिल के जगह पे हम स्कूटर अगर ले आवे, साइकिल को हटा के और स्कूटर ले आवे तो 1 घंटा 10 मिनट कम समय लगने लगेगा। फिर से समझिए, अगर साइकिल के जगह स्कूटर ले आवे तो 1 घंटा 10 मिनट कम समय लगने लगेगा, और स्कूटर के जगह साइकिल ले आवे तो हम लोग 1 घंटा 10 मिनट ज़्यादा लगने लगेगा, और एक साइड में। अब देखिए, हमसे पूछा गया कि अगर पूरी यात्रा स्कूटर से करते, अगर हमसे जो पूछा गया उस पर गौर फरमाइएगा, है ना, पूरी यात्रा यानी जाना भी और आना भी, दो पूरी यात्रा पर स्कूटर से करता, स्कूटर से करता तो कितना समय लगता। तो देखिए, सबसे ज्यादा आसान कौन होगा, ये पहले वाले इक्वेशन से बनाना, क्योंकि यहाँ पे स्कूटर है, यहाँ पे भी स्कूटर है, तो चेंज करना सिर्फ एक साइड है, यानी हम लोग साइकिल को स्कूटर में बदलना है। तो हम जानते हैं साइकिल से स्कूटर, स्कूटर तेज गति का वाहन है, है ना, यहाँ के मदद से, ठीक है, भावनाओं पर नहीं जाना है कि हाँ सही में स्कूटर तेज चलता है, यहाँ से पता चल रहा है, ठीक है। तो स्कूटर तेज गति का वाहन है, तो तेज गति वाला आएगा तो समय कम लगेगा, और एक साइड चेंज होता है, एक साइड, दोनों साइड एक साइड चेंज होता है, तो हम लोग देखते हैं 1 घंटा 10 मिनट, यानी हमारा इस इक्वेशन से 1 घंटा 10 मिनट बचाने वाला है। तो बताओ भाई, 2 घंटा 20 मिनट में अगर 1 घंटा 10 मिनट घटा दें, 2 घंटा 20 मिनट में से अगर हम लोग 1 घंटा 10 मिनट घटा दें, है ना, 10 मिनट घटा दें, तब भी हमारे पास क्या बचेगा, 1 घंटा 10 मिनट, और 1 घंटा 10 मिनट का मतलब होता है 70 मिनट, ठीक है, 70 मिनट टाइम लगेगा। इसी चीज़ को, यही हो गया हमारा उत्तर। लेकिन अगर इसी चीज़ को आप कहें कि इस इक्वेशन से नहीं बना सकते, तो भाई दोनों साइड स्कूटर से पूछा गया, जरा ध्यान से देखिएगा, दोनों साइड स्कूटर का पूछा गया, तो एक साइड हटाना पड़ेगा तो 1 घंटा 10 मिनट, और एक साइड हटाना पड़ेगा तो 1 घंटा 10 मिनट, यानी 2 घंटा इस इक्वेशन से अगर घटाएंगे ना, तो 1 घंटा 10 मिनट और 1 घंटा 10 मिनट, 2 घंटा 20 मिनट हटाएंगे, तो यहाँ पर अगर 2 घंटा 20 मिनट घटाएंगे तब भी 1 घंटा 10 मिनट बचेगा, है ना। तो क्लियर है, एक बार ध्यान से फिर से इस वीडियो को देखिएगा, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। इसी तरह का एक सवाल लेते हैं, उस सवाल में क्या है कि ऑलरेडी ये घटा के जो ये वाला लाइन हमने लिखा था, स्कूटर के बजाय साइकिल, साइकिल के बजाय स्कूटर से 1 घंटा 10 मिनट का फर्क पड़ता है, ये फर्क ऑलरेडी दे दिया गया, इस तरह घटाने की कोई आवश्यकता नहीं है। ऑरली बना सकते इस सवाल को, है ना, कि आप लोग देखेंगे कि कितना फर्क पड़ रहा है 1 घंटा 10 मिनट का, आप लोग खुद से एक बार प्रयास करिए, समझाने के लिए इतना हमने लिख दिया, ठीक। अगला सवाल पढ़ते हैं, जरा आप लोग ध्यान दीजिएगा, कि कहता है एक व्यक्ति किसी स्थान तक पैदल, ये पैदल है, ठीक है, चलिए पैदल लिख देता है, पैदल, और सवारी से वापस आता है, तो ये हो गया सवारी, तब इसको लगता है 5 घंटा 45 मिनट, 5 घंटा 45 मिनट, ध्यान दीजिएगा, है ना, 45 मिनट। अगर हमसे कहता कभी दोनों और सवारी से प्रयोग होता, अगर दोनों और सवारी से आता जाता, दोनों तरफ सवारी से, तो इसका 2 घंटा का बचत हो जाता, ये ऑलरेडी दे दिया 2 घंटा का बचत, इसका मतलब पता चल गया कि सवारी यहाँ सवारी है, यानी पैदल से सवारी पर आते हैं, एक साइड का तब्दीली में पैदल से सवारी पर आते हैं तो हमारा फर्क पड़ने लगता है, क्या जी, कहता है 2 घंटा का बचत होता है, तो 2 घंटा का, तो अगर ये लाइन भरना भी चाहे तो कोई फायदा नहीं, 2 घंटा का बचत होता है, इसका मतलब ये हो गया 3 घंटा 45 मिनट, क्लियर है भाई, 3 घंटा 45 मिनट। पूछा क्या है हमसे पूछा है कि दोनों और पैदल जाने में कितना समय लगा, तो पैदल और ये पैदल, ठीक है, पैदल दोनों ओर, तो भाई इस लाइन से कोई मतलब है नहीं, ठीक है, ये हमने बेकार में लिखा है, तो भाई पैदल यहाँ पैदल है, इसमें कोई तब्दीली नहीं, तो सवारी के जगह पैदल चले लगेगा,
ठीक है, सवारी के जगह अगर पैदल चलने लगेगा तो हम जानते हैं पैदल में ज़्यादा समय लगता है। कैसे लगता है? क्योंकि हमने यहाँ पे देखा था कि जब पैदल को हटा के सवारी पर आ गए थे तो समय बचा था, इसका मतलब पैदल पे आएंगे तो समय ज़्यादा लगेगा। तो अब पैदल में समय ज़्यादा लगेगा, कितना फर्क पड़ता है सवारी के जगह पैदल, ये सवारी है ना, सवारी के जगह पैदल कन्वर्ट करने में 2 घंटा लगता है। यानी ये तो पैदल कन्वर्टेड है ऑलरेडी, सवारी को पैदल करेंगे तो इस इक्वेशन से 2 घंटा ज़्यादा लगा, यानी 5 घंटा 45 मिनट में 2 घंटा जोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, 7 घंटा 45 मिनट हमारा उत्तर हो जाएगा। क्लियर है सबको, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अगला सवाल चलते हैं, तीसरा नंबर सवाल ध्यान से आप लोग सुनिएगा क्या है सवाल। सेट आपको उपलब्ध हो जाएगा, ठीक है, कुरुक्षेत्र मैथ डिस्कशन टेलीग्राम चैनल है, कुरुक्षेत्र मैथ डिस्कशन, तो उसमें आप लोग ढूंढिएगा, समय दूरी का सेट आपको अवेलेबल होगा उसमें, ठीक। तीसरा नंबर सवाल पढ़ते हैं हम लोग। एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर देता है, ठीक है, सामान्य चाल लिखा हुआ है, सामान्य चाल को घटाकर कितना कर देता है, 2/3 कर देता है, सामान्य चाल को घटाकर 2/3 कर लेता है, मतलब सामान्य चाल इसका 3 था और कर कितना देता है और चलता कितना में है, ठीक है, 2 के स्पीड से। तब इस तरह करने से जाहिर बात है कि अगर चाल आप घटा दीजिए तो आप कहीं भी जा रहे हैं, जो भी आपका नियत समय है वहाँ से तो देरी लगने लगेगा, अधिक टाइम लगने लगेगा। तो कहता है ऐसा करने से 1 घंटा अधिक समय लगता है, तो सामान्य चाल ज्ञात करें। भाई देखो ये सामान्य है, ठीक है, और ये मान लिए बदला हुआ है, बदला हुआ चाहे बाद वाला, ठीक है, और ये लाइन हमने लिखा चाल, ठीक है। तो सामान्य चाल था 3 और बदल गया चाल कैसे, 2, ठीक। तो 3 था घटाकर उसको 2 कर लिया, भाई ये वाला 3 समझ लेंगे और ये 2 समझ लेंगे, ठीक, 3 में से 2 चला। तो समय क्या होगा, समय जानते हैं चाल का भी तो क्रमानुपात होता है, तो 2:3 हो गया। तो देखो सामान्य चाल अगर 3 था तो सामान्य समय 2 लगता था, मैंने जनरली अगर इसका टाइम 2 लगता था 3 चाल रखने पर, तो चाल घटा दिया तो समय ज़्यादा लगने लगा, तो ज़्यादा लगने लगा अधिक, यहाँ पे कितना, 1 यूनिट, 1 यूनिट अधिक लगना इस सवाल में 1 घंटा के बराबर है, तो 1 यूनिट बराबर 1 घंटा हो गया, सवाल में लिखा है 1 घंटा अधिक लगने लगता है। तो सामान्य चाल से चलने पर वही दूरी कितना समय में तय करेगा, अगर सामान्य चाल मतलब चाल यही रहा जाए तो समय कितना लगेगा, तो समय तो 2 यूनिट लगता है, अरे सामान्य समय क्या होगा, 2 यूनिट, तो 2 यूनिट मतलब कितना हो गया, 2 घंटा, तो 2 घंटा हो गया हमारा ये सामान्य चाल से समय था, तो ये सामान्य समय हो गया। क्लियर है भाई। देखिए इस सवाल को डायरेक्टली कैसे बना सकते हैं, उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा, कुछ नहीं करना है, ध्यान देना है, ठीक। देखिए यहाँ पे हम लोग जानते हैं कि सामान्य चाल ये है और चला ऐसे है, तो सामान्य चाल से समय में कन्वर्ट करेंगे तो जाहिर बात है ये सामान्य चाल ये है तो सामान्य समय ये हो जाएगा, सामान्य समय क्या हो जाएगा, सामान्य समय ये वाला हो जाएगा, क्योंकि सामान्य चाल ये है तो सामान्य समय ये हो जाएगा। अब 1 घंटा लिखा हुआ है, 1 घंटा देरी हो जाता है, तो यहाँ 1 यूनिट है ना, 1 का डिफरेंस है, आप लोग क्या करिए, 1 का डिफरेंस 1 ही होता है, ठीक है, इसको गुना कर दीजिए आंसर आ जाएगा, यही आपका आंसर होगा। हाँ लेकिन नीचे क्या होगा, इसका डिफरेंस लिखा हुआ है, इसका डिफरेंस है, तो कभी 2 डिफरेंस हो तो 2 से भागा दे दीजिए, ठीक है, 2 घंटा। जैसे अभी अगला सवाल हम लोग बनाते हैं, अगला सवाल में लिखा हुआ है इसी तरह का सवाल, हम लोग फटाफट 2-3 सवाल देख लेते हैं, प्रैक्टिस भी हो जाएगा तो क्लियर है, वही लॉजिक चलेगा, ठीक है। आप लोग को सामान्य चाल ये है तो सामान्य समय इसको समझ के इसको जितना भी देरी होता है उसमें गुना कर दीजिए और ये डिफरेंस से भागा दे दीजिए, क्योंकि यहाँ भी हम लोग देखे थे 3 और 2 लिखा था और 2 और 3 लिखे, तो ये डिफरेंस था ना, तो डिफरेंस मान लो 1 यूनिट था और यहाँ पे 1 था, अगर यहाँ पे 2 डिफरेंस रहता तो 2 से भागा देते ना, तो ये डिफरेंस से कहें केवल भाग देना है, मतलब लॉजिक वही है, लॉजिक कुछ नया नहीं अप्लाई कर देना है, ठीक है। 5वां नंबर सवाल हम लोग देख लेते हैं, 5वां नहीं 4वां नंबर सवाल। चौथा नंबर कहता है वह अपनी सामान्य चाल की 3/4 से चलकर, सामान्य चाल ऐसे है और चला 3 है, तो भाई सामान्य चाल ऐसे है, ठीक है, तो सामान्य समय कौन होगा, सामान्य समय ये वाला होगा, यानी इसमें गुना करना है। ऐसा करने से 20 मिनट, अरे 4 के बजाय 3 चलेंगे तो अधिक समय लगेगा ना, तो कितना लगता है, 20 मिनट अधिक समय ले लेता है, 20 मिनट अधिक समय ले लेता है, तो आपका उत्तर क्या हो जाएगा, 20 दिया 60, 20 दिया 60 उत्तर हो जाएगा। इस केस में जब 1 से ज़्यादा अंतर रहे तभी यहाँ पर भागा देंगे, 1 से भागा देने से कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी 60 मिनट इसका हो जाएगा सामान्य समय। क्लियर है भाई।
पांचवा नंबर देख लेते हैं, यहाँ पे दो का डिफरेंस है। पांचवा नंबर सवाल है, कहता है एक व्यक्ति अपनी सामान्य चाल की 3/5 से चलकर, मतलब सामान्य चाल ये है तो चलता 3 है, तो सामान्य चाल ये है तो समय कौन होगा, सामान्य समय, समय ये हो जाएगा 3 न, तो कितना देरी पहुँचता है, 2.5 घंटे देरी पहुँचता है, 2.5 घंटे देरी पहुँचता है। ठीक, तो इसको हम लोग गुना कर देते हैं। क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे दिख रहा होगा, एक बार इसको यहाँ पे साफ कर देते हैं। आप लोगों को क्या करना है, इसको गुना कर देना, ये है 5/2, तो 5/2 में 3 को गुना कर देना, ये डिफरेंस है 2 का, ठीक है। अरे ये डिफरेंस, ये 2 कहाँ से आया, 5 और 3 का, ठीक है, तो 15/4 हो गया, तो 4 3 12 और 3 ना, 12 3 15, यानी 3 पूर्णांक 3/4 घंटा इसका सही उत्तर हो गया। उम्मीद है कि समझ में आप लोग को आ रहा होगा। चलिए छठा नंबर सवाल पे चलते हैं, और भी कई तरीके से ये सवाल को बनाया जा सकता है, ठीक है, लेकिन भाई एग्जाम में ऐसे ही बनाना ज़्यादा आसान है ना, कितना आसान है, खाली ऊपर ऊपर गुना कर देना है, डिफरेंट से भागा दे देना है, तो ऐसे ही सीखिए। मुखर्जी 5.5 घंटे में 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है, तो 500 किलोमीटर की दूरी कितना देर में तय करेगा, ठीक है, तो 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है, एक ही नियम से भी निकाल सकते हैं कि 500 किलोमीटर की दूरी तय करना है और 220 किलोमीटर की दूरी तय करने में लगता है 5/5 पूर्णांक 1/2, मतलब 11/2। अरे एक एक नियम आप लोग नहीं जानते तो ध्यान दीजिए, यहाँ अगर 3 पेन का दाम अगर 15 रुपया है, ठीक है, और 5 पेन का दाम पूछा है, तो हम लोग वैसे जनरली क्या करते हैं कि चूँकि 3 पेन का दाम 15 रुपये, इसलिए 1 पेन का दाम 5 रुपये, इसलिए 5 पेन का दाम, फिर गुना करते हैं, ऐसा नहीं करना, ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं, जो निकालना है उसको ऊपर रख दीजिए, ठीक है, ये वाला ऊपर, और इसी जाति में अगर पेन वाली जाति है तो नीचे रख दीजिए, और जो नीचे रखें उसका मान दिया हुआ है 15, तो 15 आप गुना कर दीजिए। अगर 500 किलोमीटर की जानना है समय, समय जानना है तो उसको ऊपर रख दीजिए, तो देखिए कि जो दिया गया है वो एक ही जाति वाला नीचे है, उसको नीचे रखिए, यहाँ पर गुना कर दीजिए समय को, ठीक है, एक बार आप लोग गौर से देखिएगा, ये 0 0 कट गया, 11 2 22, 2 से भागा देंगे तो 25, और 25 को 2 से भागा देंगे तो 12.5, और नहीं समझ में आया तो एक तरीका और समझिए, ठीक है, कि अगर 220 किलोमीटर की दूरी तय करता है 5/1/2 घंटा में, तो पहले हम लोग चाल निकाल लेते हैं, चाल क्या होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, दूरी बटा समय 11/2 हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये 20 बार में और 2 ऊपर जाएगा, तो 40 किलोमीटर पर आवर चाल हो गया। और यही चाल से अगर कहता है 500 किलोमीटर की दूरी तय करेंगे तब कितना समय लगेगा, तब कितना समय लगेगा, अब चाल है 40, तो 0 0 काट दिए, 4 से भागा देंगे तो 12.5 घंटा, 12 घंटा मतलब 12.5 घंटा मतलब 12 घंटा 30 मिनट, तो 12 घंटा 30 मिनट इस सवाल का उत्तर हो जाएगा। उम्मीद है कि समझ में आपको आ गया होगा। सातवां नंबर सवाल चलते हैं हम लोग। संजय अपने घर से 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से रवाना होता है तथा अपने कॉलेज 10 मिनट देरी पहुंचता है, यदि वह 6 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो वह नियत समय पर पहुंचता है, मतलब पहले 10 मिनट देर हो जाता था, मान लीजिए उसका उचित समय 10 बजे पहुंचने का है, तो 10 मिनट देर हो जाता था, मतलब 10:10 पर पहुँचता था, और अगर चाल उसने बढ़ा दिया तो एकदम नियत समय पर पहुँच गया, मतलब 10 बजे पहुँच गया, तो ये चाल बढ़ाने से टाइम का कितना फ़र्क पड़ा, अरे टाइम का डिफरेंस कितना पड़ा, 10 मिनट का फर्क पड़ा। तो हम लोग दूरी बराबर, हमने कई बार बताया, टाइम का डिफरेंस लिखिए 10/60, और पहला चाल 5 था, दूसरा चाल था 6, और चाल का डिफरेंस 1, तो ये 0 0 और 6 6 कट गया, कितना हो गया दूरी जी, 5 किलोमीटर, ये हमारा उत्तर हो गया। ठीक है, उम्मीद है कि आपको समझ में आ रहा होगा सब। अगला सवाल पे चलते हैं, ये सवाल था आपका सातवां नंबर सवाल था। आठवां नंबर सवाल पे चलते हैं। कहता है एक मोटर कार एक यात्रा 7 घंटे में पूरा करती है, यदि प्रथम अधांश 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से तथा द्वितीय अधांश 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से तय की गई हो तो पूरी यात्रा क्या है, पूरी यात्रा को हम लोग 2x मान लेते हैं, ये पूरी यात्रा है, 2x क्यों माने, x मानेंगे तो आधा करने में बटा में आ जाएगा फ्रैक्शन में, तो अच्छा नहीं लगेगा, पूरी यात्रा, आधा अंश मतलब आधा अंश तय करता है, मतलब x दूरी, इसका आधा कितना था x दूरी, इसको चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल
से 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, मतलब x किलोमीटर चलता है 20 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो दूरी बटा चाल हमने लिखा, मतलब ये समय लिखा, ठीक है। और फिर x दूरी जो आधा बचा, x किलोमीटर की दूरी, इसको चलता है 22 किलोमीटर पर आवर की चाल से, तो ये भी समय लिखा, दूरी बटे चाल, ये भी समय था हमारा, ये भी समय था। और कहता है टोटल समय लगा है 7 घंटे, पूरी यात्रा 7 घंटे में तय करता है। अब इसको हल करते हैं, 22 यहाँ जाएगा और 20 यहाँ जाएगा तो 42x होगा, और जब डायरेक्ट यहाँ यहाँ कर देते हैं ना तो ये भी हम लोग गुना करके लिखते हैं, ठीक, और यहाँ पर हो गया 7, तो 7 × 42 और इससे काटेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये 10 हो जाएगा, ठीक। तो x बराबर हो गया 220/3, लेकिन पूरी यात्रा था 2x, तो पूरी यात्रा कितना था 2x। अरे भाई पूरी यात्रा क्या है, ये दिख रहा है ना, पूरी यात्रा था 2x, इसका मतलब 2 इसमें गुना करेंगे तो 2 गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 440 पूर्णांक, ये 440/3 किलोमीटर पूरी यात्रा था। पूर्णांक में बदलेंगे कैसे, 3 से इसको भागा देंगे तो 3 × 3 3 × 12 3 × 18 2 146 पूर्णांक 2/3 किलोमीटर। चलिए अब अगला सवाल हम लोग लेते हैं, 9वां नंबर सवाल है। कहता है एक व्यक्ति को 8 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलने पर एक निश्चित स्थान पर 12 मिनट देरी पहुंचता है तथा वह उसी स्थान पर पहुंचने के लिए 6 किलोमीटर की चाल से चले तो 24 मिनट की देरी होती है। कहने का मतलब 8 किलोमीटर पे चलता है तो 12 मिनट की देरी, मतलब 10:12 पर पहुँच रहा होगा, और अगर 24 मीटर ये अगर चाल घटा के 6 किलोमीटर पर आवर कर देता है तो 10:24 पर पहुँचता है, तो इन दोनों में फ़र्क कितना है 12 मिनट का, ठीक है। देरी से देरी रहेगा तो घटाएंगे, देरी से जल्दी रहेगा तभी जोड़ेंगे, चाहे जल्दी से जल्दी रहेगा तभी एक ही जाति में रहेगा तो घटाएंगे, देरी से जल्दी, जल्दी से देरी रहे मतलब उल्टा रहे दोनों जाति में तभी जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये हम लोग 12 में से जो 12 घटाएंगे 24 में से 12 तब भी 12 आएगा, और समझ के बनाएंगे तभी 12 आएगा, यानी टाइम का डिफरेंस 12 आ गया। तो दूरी बराबर हम लोग जानते हैं कि टाइम का डिफरेंस लिखते हैं, तो 12 मिनट में था 60 से भागा दे देता, और पहला चाल था 8, दूसरा चाल था 6, है ना, और चाल का अंतर 2, तो ये कितना हो गया 12×5=60 और 8×48। अच्छा पॉइंट में रहता ना तो 8×48 को 10 से भागा देते तो 4.8 आ जाता, लेकिन यहाँ पे बटा में दिया हुआ फ्रैक्शन में, तो हम लोग ऐसे कर सकते हैं, तो 6×24/5 किलोमीटर, मतलब जी 5×20 और 4 × 24 किलोमीटर, ये हमारा सही उत्तर हो गया। तो 9वां तक का सवाल हो गया, ठीक है। अब अगला वीडियो में हम लोग 10वां से देखेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबा ना होगा, ठीक है। तो ये चलेगा तीसरा डे, चौथा लेक्चर चलेगा, सेट नंबर दूसरा में भी सवाल है, ये टोटल सवाल 20 नंबर तक है, ठीक है, अभी तक 9 हुआ है, अगला में प्रयास करेंगे कि ख़त्म हो जाए, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय।